Sí, men. Hey, easy, papi. This man's for me. You. You the boy? Oye, you the boy. I think so, you know. No, I don't think I do. Oh, yeah? You come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb, son. And I call him a little girl, papi. Look at him, all dressed up like that. What is this? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टॉमी भैया आज आए हुए हैं अम्बर्टो रोबिना के पास। दोस्तों ये जो मच्छर है ना, ये क्यूबन गैंग का सरदार है। आज टॉमी भैया को उसने अपने यहाँ बुलाया क्योंकि वो चाहता है कि टॉमी भैया उसके लिए मिशन किया करे। ओए दोस्तों, लेकिन इस अम्बर्टो रोबिना को टॉमी भैया के टैलेंट पे शक है और वो टॉमी भैया को चैलेंज कर रहा है कि वो अपनी मर्दगानगी साबित करे। ओए ए दोस्तों, भैया ने बिल्कुल ठीक कहा और आज टॉमी भैया को खुद को साबित करना है और चैलेंज ये है कि उन्हें बहुत फास्ट और अच्छी तरह से बोट चला कर दिखानी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम टॉमी भैया की मदद करेंगे और उनको ये बोट चलवा कर दिखाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि टॉमी भैया ही हीरो है। तो चलिए दोस्तों, हमें 25 चेक पॉइंट्स पार करने हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से होगी जंप, ये शानदार जंप मारी मैंने दोस्तों। दोस्तों पता नहीं है अल्बर्टो रोबिना अपने को क्या समझता है, टॉमी भैया को कमजोर समझता है क्या? ओए मुन्ना, टॉमी भैया किसी से कमजोर नहीं है और अब कमजोर होंगे भी नहीं क्योंकि हम दोनों भाई उनके साथ हैं। हे भैया, तो हम दोनों हैं तो टॉमी भैया को किसी बात की टेंशन नहीं। ओए मुन्ना, चल बोट चलाने पर ध्यान दे, हमें 22 और चेक पॉइंट क्लियर करने हैं। ओए और यहाँ पे काफी मोड़ है। हे भैया, और समय भी काफी कम है दोस्तों, हमें सिर्फ 2 मिनट 15 सेकंड ही मिले हैं और हमें 21 और चेक पॉइंट पार करने होंगे। एक तो अभी क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से होगी एक जंप, है काफी मजा आया दोस्तों। ओए मुन्ना, मुझे भी काफी मजा आ रहा है टॉमी भैया के साथ। हे भैया, उस अल्बर्टो रोबिना ने अपने एक गैंग के मेंबर को भी टॉमी भैया की बोट पे बैठा दिया है ताकि वो देख सके कि टॉमी भैया कैसी बोट चलाते हैं। ओए मुन्ना, तो हम उसे दिखा देंगे कि टॉमी भैया जैसा कोई नहीं है। हाँ भैया, टॉमी भैया इज द बेस्ट, आई लव यू टॉमी भैया। ओए मुन्ना, चल बोट चलाने पर ध्यान दे, हमें 14 चेक पॉइंट और क्लियर करने हैं। ओए भैया, सारे चेक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पर एक और चेक पॉइंट। चलिए बाएं मोड़ता हूँ, यहाँ पे एक और चेक पॉइंट। टॉमी भैया खुद को साबित कर दीजिए। ओए मुन्ना, टॉमी भैया को किसी को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टॉमी भैया बेस्ट है, बेस्ट। भैया ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी, पर वो मुच्छर नहीं मानता ना, इसलिए हमें उसे साबित कराना होगा। चलिए दोस्तों होगी एक शानदार जंप, है काफी मजा आया। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, यहाँ से सीधे एक और चेक पॉइंट। अब सिर्फ 6 ही चेक पॉइंट बाकी है और समय काफी कम। एक और चेक पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों, ओए मुन्ना आराम से बोट चला, हमारे पास समय कम है। हे भैया, घड़ी में भी देख रहा हूँ, मैं चलाऊंगा बिल्कुल शानदार। एक और चेक पॉइंट क्लियर, यहाँ से राइट, टकराना नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और चेक पॉइंट बिल्कुल सामने, एक और क्लियर हो गया, सिर्फ 2 ही चेक पॉइंट बचे हैं दोस्तों। चलिए ये भी क्लियर है, मजा आ रहा है दोस्तों। और वो देखिए, पिंक कलर का है अंतिम चेक पॉइंट। चलिए हमारे पास समय ही समय है और ये हुआ क्लियर। No hay problema, Tom. Papi,
Un gran problema. Humberto, my son, what happened? The Haitians. I hate these Haitians. They messed with me for the last time. These Haitians. We'll take them out. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Take my boys over there, and then we'll take these Haitians down. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. दोस्तों, नए मिशन में आपका मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम्बर्टो रोबिना जो है ना, क्यूबन गैंग का लीडर, ये चाहता है कि टॉमी भैया जाए और हैतियन गैंग वालों के अड्डे पे हमला करे। ओए मुन्ना, लेकिन ऐसा क्या है उनके अड्डे पे? भैया, वहाँ पर एक वैन लगी है जिसमें काफी सारा ड्रग्स है और अल्बर्टो रोबिना चाहता है कि हम वो ड्रग्स छीन ले। ओए मुन्ना, तो तुझे पिंक सर्कल पे जाना है और तू इधर उधर क्यों घूम रहा है? ओए हे भैया, हमारे पास स्पोर्ट्स कार है, हमें गैंग के और मेंबर्स को भी ले जाना है और इतनी सी छोटी कार में वो लोग बैठ नहीं पाएंगे। ओए मुन्ना, तो ये एसयूवी रोक दे और इसे छीन ले, इसमें आराम से 5-6 जन बैठ सकते हैं। ओए ठीक है भैया, चलिए। ए आंटी उतरिए, मैं चाहूँगा आपकी ये एसयूवी। चलिए दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और वापस रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं। फिर गैंग के कुछ और मेंबर हमारे साथ कार में बैठ जाएंगे, फिर हम जाएंगे और हैतियन गैंग वालों के अड्डे पे जाके हमला करेंगे और उससे वैन चुरा कर ले आएंगे। चलिए, बड़ा ही आसान मिशन है, चलता हूँ। यहीं रोकूंगा कार, आ जाओ गैंग मेंबर्स, बैठ जाओ मेरी कार में, मैं चलाऊंगा बिल्कुल फास्ट। दोस्तों, अब हमें चलना है पिंक सर्कल पे, जो हमें मैप पे दिख रहा है। हट जाओ सामने से, जाने क्यों नहीं देते? चलिए दोस्तों, ओए मुन्ना, यहाँ से लेफ्ट घुमा दे और सीधा चलाता जा। चल आगे बढ़, ओए आगे बढ़, आराम से चल। ओए ठोका ठाकी मत करना। हे भैया, ठोका ठाकी मैं नहीं करता हूँ, आना, यहाँ के लोग ही पागल है, गाड़ी चलाते हैं पागलों की तरह, तो मैं क्या करूँ? हाँ, ओए मुन्ना देख, हम लिटिल हैती में आ गए, यहीं पर हैतियन गैंग वाले रहते हैं और यहीं पर उनका अड्डा है। ओए हे भैया, मैं भी देख रहा हूँ कि हम पिंक सर्कल के बिल्कुल पास है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ, सामने है पिंक सर्कल, यही है हैतियन गैंग का अड्डा। चलिए दोस्तों, हमारे कुछ साथी पहले से यहाँ पर है। चलिए दोस्तों, आज हम जाके हैतियन गैंग वालों को मजा चखा देंगे। ओए मुन्ना, तो निकाल बंदूक और अपने गैंग वालों की रक्षा कर। ठीक है भैया, चलिए गोली चलाऊंगा, सारे हैतियन को टपका डालूंगा। ओए मुन्ना, आराम से गोली चला और छोड़ मत किसी को। हे भैया, निशाना तो लगाने दीजिए ना। कैसे निशाना लगाऊं, ये लोग काफी दूर है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं किसी को, बच के जा नहीं पाएंगे ये। चलिए दोस्तों, इनकी कार तो उड़ गई और साथ में बाकी लोग भी टपक गए। ओए मुन्ना, तो देर किस बात की, चल आगे बढ़। ठीक है भैया, पहले हमारे गैंग वाले आगे जाएंगे। ओए मुन्ना, कोई स्नाइपर वाला हमारे आदमियों को टपका रहा है। हे भैया, तो मेरे पास भी स्नाइपर है ना, मैं भी उसको टपका डालूंगा। ओए मुन्ना, तो अब तक तूने स्नाइपर क्यों नहीं निकाली? हे भैया, उसकी गोलियां बचा के रख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे कुछ और गैंग मेंबर भी आ गए हमारी मदद करने, अब होगी मारा मारी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे स्नाइपर को टपकाना है, वो रहा छत पे खड़ा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। ओए मुन्ना, निशाना तो लगा, पहले पकड़ तो ले फिर छोड़ना। हे भैया, ये तो डस डायलॉग बाजी है। ओए मुन्ना देख, स्नाइपर टपक गया, अब जा और जल्दी से वैन चुरा ले। हे भैया, ये काफी शानदार स्नाइपर मैंने मिली है। ओए मुन्ना, तो लगा निशाना और टपका दे सब किसी को। हे भैया, स्नाइपर से नहीं, अपनी बंदूक से ही इनको निशाना से लगाऊंगा और इनको टपकाऊंगा। ओए मुन्ना, चल जल्दी चल, हमें वैन चुरानी है, वैन हमें दिख रही है। ओए हे भैया,
यहाँ पे और भी हैतियन गैंग वाले है। ओए मुन्ना तो मुंह क्या ताक रहा है, टपका सभी को, छोड़ना मत किसी को। ओए ए भैया छोड़ूंगा नहीं किसी को, आ जाओ हैतियन गैंग वालों, मैं तुम लोगों को टपका डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ओए मुन्ना चल गोलियां चलाता जा। ए भैया गोलियां ही तो चला रहा हूँ। ओए और भी लोग आ रहे हैं, सबको जल्दी टपका और वैन लेकर भागो। ए भैया चलिए सारे टपक गए, चलिए दोस्तों वैन में बैठता हूँ, अब मुझको जाना है वापस अल्बर्टो रोबिना के रेस्टोरेंट में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, ये वैन कैसे चल रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ यहाँ से राइट, लगता है मेरी कार पंचर हो चुकी है। ओए मुन्ना पुलिस वाले भी आ गए, हमें 2-स्टार वांटेड लेबल लग चुका है। ओए और हम बहुत दूर है रेस्टोरेंट से, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। भैया चिंता मत कीजिए, जब मैं हूँ साथ तो डरने की क्या है बात। ए पुलिस वालों हट जाओ ना, पागल हो गए हो क्या, अपना काम करो जाकर। ओए मुन्ना पुलिस वाले अपना काम ही तो कर रहे हैं। भैया आप उनको समझाइए ना प्लीज कि वो हमारा पीछा छोड़ दे। ओए मुन्ना क्या वो मेरे सगे हैं कि मेरी बात मान जाएंगे। हे भैया सगे नहीं है पर आप भी तो एक फौजी है ना, अपने को फौजी बोलते हैं। ओए मुन्ना मैं फौजी था पर अब नहीं हूँ, एक काम कर हम पिंक सर्कल के बिल्कुल पास है, जल्दी से गाड़ी उस पर खड़ा कर दे। ठीक है भैया। ये पुलिस वाले पागल हो गए हैं क्या, जाने भी नहीं देते। ये लगाया पिंक सर्कल पे और हो गया मिशन पास। दोस्तों मिलते हैं अगले मिशन पे, तब तक के लिए बाय बाय।